हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में रिश्वत का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जगाधरी से सामने आया है। यहां एक्साइज विभाग का अधिकारी काम के एवज में 20,000 रूपए की रिश्वत लेते टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर में पंचकुला से आई विजिलेंस की टीम ने जगाधरी डीईटीसी ऑफिस में रेड कर एक्साइज इंस्पेक्टर वीरेंद्र को रेड हैंड 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। टीम को रसूलपुर जोन के शराब ठेकेदार नरेंद्र ने शिकायत की थी, जिस पर विजिलेंस से पंचकुला ने आज ही केस दर्ज कर रेड की और वीरेंद्र इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अगर ये किसी और को भी रिश्वत के पैसे देता, उस बारे में भी हम छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ठेके कब खत्म हो रहे थे जी? 2 दिन है, 11 तारीख को खत्म होने वाले हैं। नहीं, ऐसा पता लगा कि रिश्वत ऊपर भी जाता था। हाँ जी, ऊपर भी जाता था इसका। चलो, अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं, जो बताएगा तो सर हम जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।